है और ऊपर वाला फाइव इंच का है और ये चॉकलेट स्पॉन्च बना है तो फर्स्ट लेयर में मैं नॉर्मली क्रीम लगा रही हूँ और आज का ये केक बहुत ही रिच चॉकलेट केक बनने वाला है क्योंकि इसमें मैं दो तरह से चॉकलेट यूज करूंगी तो इसको पहले मैंने क्रीम से कवर कर दिया उसके बाद यहाँ पे मैंने अपना गनाश लिया है गनाश यहाँ मैंने सेवेंटी थर्टी का रेशो लिया है सेवेंटी परसेंट डार्क कंपाउंड है और थर्टी परसेंट यहाँ पे मिल्क कंपाउंड है और उसको मैंने दूध के साथ अच्छे से बहुत ही थिक कंसिस्टेंसी का गनाश बना लिया अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ हर का आमंड स्प्रेड ये काफ़ी टेस्टी है जैसे आजकल हेजलनट स्प्रेड बहुत तो यूज़ किया जाता है उसी तरह से ये आमंट स्प्रेड है हर चीज़ का तो अगर आपने कभी इसे ट्राई नहीं किया तो इसे चॉकलेट केक में गनाश के साथ एक बार ट्राई करके देखो बाकी टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा और बहुत हीरा माउथ वाटरिंग केक बनेगा ये तो इसको अच्छे से मैंने स्प्रेड कर दिया और सभी लेयर्स पर मैं लगाने वाली हूँ यही और बहुत ही रिच चॉकलेट केक बन के रेडी होने वाला है तो ये मैंने इसको कवर कर दिया अब इसका हम सेकेंड लेयर रख देंगे पीच वाला और इसका क्रम कोट पूरी तरह से कर देंगे क्रम कोट अच्छे से करने के बाद मैंने इसे फ्रिज पे सेट करा कम से कम 15-20 मिनट के लिए तब तक मैंने इसका ऊपर वाला बेस को रेडी कर लिया और ये हमारा क्रम कोट हो गया अब हम इसका सेकेंड लेयर बना रहे हैं तो उस टायर में भी मैंने तीनों लेयर्स में यही सेम चीज़ अप्लाई की है तो टोटल आज छः लेयर बने केक के ऊपर के तीन नीचे के तीन और सभी लेयर्स में चॉकलेट का और ये आमंड स्प्रेड का बहुत बहुत बढ़िया फ्लेवर आ रहा था तो ये केक बेसिकली मेरी बेटी का बर्थडे केक है जिसे मैं बना रही हूँ और टू टायर केक बनने वाला है और थीम भी बहुत अच्छा होने वाला है तो अब ये मेरा सेकेंड भी कम्प्लीट हो गया उसको मैंने फ्रिज पे रख दिया अब मैं बेस वाले जो हमारा बेस है उसको कवर कर रही हूँ मैंने लिया है यहाँ पे ब्लू और पिंक कलर का क्रीम और इसको मैं बनाने वाली हूँ आज अंडर वाटर केक थीम है ये आप कह सकते हो कि मरमेड केक बनने वाला है तो मैंने ब्लू और पिंक कलर लेना अच्छा समझा इसमें और ब्लू थोड़ा कम यूज़ करूँगी पिंक थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करूँगी तो बस इसका मैंने वॉल्स को कवर किया और इसके ऊपर से भी कवर किया अच्छे से इसको पूरा ब्लू और पिंक से कवर करने वाली हूं ये देखिए ऊपर का लेयर भी बढ़िया क्रीम से कवर हो गया ब्लू कलर कम यूज करने के पीछे रीजन ये है कि ब्लू कलर ज्यादा यूज करने से ना जो कलर है वो बहुत ब्लीड करता है और हमें खाते वक्त ना माउथ में आता है इसलिए मैंने कम यूज़ किया और यहाँ मैं ये कोम यूज़ कर रही हूँ और इसको फर्स्ट राउंड जो मैं लूँगी वो पूरा कंप्लीट सर्कल में लूँगी उसके बाद इसको जिग्जैक करूँगी तो फिर वो पानी की ना वेव्स आ जाएंगी ये देखिए इस तरह से इसको हाथ को ऊपर नीचे करते हुए जिगजैक करते, करते हुए मैंने वेव्स बना दिए बहुत ही सुंदर वेव्स बने इस तरह से और जहाँ जहाँ पर लगा एक्स्ट्रा क्रीम है वहाँ से मैंने उसे रिमूव कर दिया इसलिए मैंने आज अभी थोड़ा ये वाला जो वीडियो का पार्ट है इसको थोड़ा स्लो किया है जिससे कि पता चले कि वेव्स कैसे बनाए हैं और इसी के ऊपर फाइनल फिनिश मैंने इसको कर दिया पहले पैलेट नाइफ से और उसके बाद जो हमारा कोम है उसी से मैं इसको बीच में से डिज़ाइन भी दे दूंगी तो चीज़ें तो हमारे पास वही होती हैं लेकिन बार बार हम अलग अलग तरह से यूज़ करके डिज़ाइन एक डिफरेंट तरह से दे सकते हैं ये देखिए उसको थोड़ा सा हल्के हाथ से घुमाया और बढ़िया डिज़ाइन आ गया इसे हम सिलिकॉन ब्रश से भी कर सकते हैं इसी तरह मैं इसका ऊपर वाला टायर भी कम्प्लीट कर रही हूँ ये देखिए फर्स्ट लेयर मैंने पूरा कम्प्लीट किया देन मैंने इसको जिक्जैक्ट करते हुए वेब्स दिया और उसके बाद भी ऊपर से सेम उसी तरह से अब मेरे दोनों डाइस कंप्लीट हो गए अब इसको स्टैकिंग की बारी आती है तो सबसे पहले छोटे वाले के ऊपर मैंने इसके रखा एक डॉबल और उसके नीचे पैलेट नाइफ़ और उसको धीरे से उठा के मैंने केक के ऊपर रख दिया एक बार मैंने चेक किया क्या ये सेंटर है अगर लगे कि सेंटर है तो डॉबल को पूरा अंदर तक कीजिए और धीरे से पैलेट नाइफ को बाहर पुल कर लीजिए बस अगर आप डॉबल के साथ उठाते हैं टायर को तो बहुत इजी हो जाता है थोड़ा सा कट कीजिए और उसको अंदर इंसर्ट कर दीजिए डॉबल्स ये पेपर के स्ट्रॉज हैं इजीली मार्केट में मिल जाते हैं इससे क्या है कि स्टैकिंग बहुत अच्छी रहती है और स्टेबिलिटी भी रहती है अब मैंने उसे क्रीम से कवर किया और वापस एक बार इसको फिनिश कर दिया हो गया बढ़िया तरीके से अब यहाँ पे मैं इसको फाइनल फिनिश देने वाली हूँ मैं यूज़ कर रही हूँ नूर का 46 सिक्स नंबर का नोजल जिसके साथ मैं इसको बॉर्डर दूँगी दोनों टायर्स की और बॉर्डर देने के लिए भी जो दोनों कलर की क्रीम है वही क्रीम मैंने यूज़ की है एक साइड पिंक एक साइड ब्लू और फोटी नंबर के नोजल से शेल डिज़ाइन बनाते हुए मैं दोनों का बॉर्डर दूंगी नीचे का भी और ऊपर का भी और इसके लिए मैंने जो टॉपर्स यूज़ किए हैं वो मैंने अमेजन से मंगवाए हैं रेडीमेड अंडर वाटर थीम टॉपर्स हैं और काफ़ी इकनॉमिकल भी पड़े मुझे एक ही बार में चार से पाँच का सेट आ गया तो कल को ऑर्डर भी आता है इस तरह के मरमेड केक्स का तो मैं वो टॉपर यूज़ कर सकती हूँ नहीं तो फॉन्डेंट के टॉपर्स भी बनाए जा सकते हैं तो इस तरह से देखिए मैंने ऊपर वाले को भी बॉर्डर कर दिया और मैंने बाद में इसके टॉपर लगा दिए टॉपर मैंने केक कटिंग से एक घंटा पहले लगाए थे तब तक फ्रिज में अच्छे से इसको सेट कर लिया था क्योंकि पेपर टॉपर्स होते हैं ना फिर अगर हम केक पे चिपकाते हैं थोड़े से वो क्या है कि अपना शेप लूज़ कर देते हैं तो इस तरह से कुछ को मैंने स्टिक्स से इंसर्ट किया कुछ के स्टिक्स हटा के उसको पेस्ट कर दिया और ये हो गया हमारा मरमेड केक रेडी मेरी बेटी का ही बर्थडे केक है तो इस तरह से ही उसका डेकोरेशन वगैरह भी हुआ हुआ है पीछे ये देखिए ये इसका फाइनल लुक कितना प्यारा लग रहा है कलर कॉम्बिनेशन कितना अच्छा लग रहा है और उसका ड्रेस का कलर कॉम्बिनेशन भी कुछ इसी तरह से था तो कैसा लगा आपको आज का ये बढ़िया सा डिज़ाइन पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा फिर मिलती हूँ बाय बाय